सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम करन रेड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आज आप सभी को एक क्लिक में ड्यूल टोन करना सिखाऊंगा। एंड गाइस, कैसे करना है आप सभी को मैं कुछ भी सिखाऊंगा गाइस। तो वीडियो को भी बने रहना गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट करो बताओ वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, चलिए सीधा वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ऐड फोटो में जाना हम सभी को, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हम सभी को पहले अपने मॉडल को लेकर आना है, ठीक है। मॉडल को लेकर आना है, फिर उसके बाद गाइस हम सभी को करना है कि अपने मॉडल को सिंपली अपने इस बैकग्राउंड के ऊपर ओपन कर लेना है, ठीक है। पूरा सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, इसमें मैंने जितने बैकग्राउंड पेन जिसका यूज़ किया सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को देखने के बाद जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, मैंने अपने मॉडल को भी फिक्स कर लिया है। सो गाइस, इसके बाद हमें जाना भी ऐड फोटो में एक पेन लेना है, ठीक है। सो गाइस, अभी देखते रहना, मैं गाइस आप सभी को खाली एक क्लिक में ड्यूल टोन करना सिखाऊंगा गाइस, ठीक है। तो पहले हम इस पेन को लगा लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इस पेन को लगा लिया, ठीक है। सिंपली कर लेना डन, ठीक है। एंड इसके बाद हमें जाना दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। एंड गाइस, अब देखना जादू देखना गाइस अब, ठीक है। तो ये हमने ये ले लिया यार पिंजी, ठीक है। सो अभी हम इसको पूरा ऐड करते हैं, ठीक है। एंड गाइस, हमें इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है। एंड ये गाइस देखिए, एक क्लिक में ड्यूल टोन आ चुका है हमारी फोटो में। एंड गाइस, अभी परफेक्टली हुआ नहीं है, तो गाइस आप सभी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट गाइस, अभी हम इसमें जब कलर करेक्शन करेंगे तो गाइस आपको अलग ही फोटो लगेगी। तो गाइस, चलिए दोबारा चलते हैं ऐड फोटो में। एंड गाइस, एक लाइट का पीएनजी ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं सिंपली लाइट का पीएनजी ले आता हूं। एंड गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस, अगली वीडियो लाने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मिनटों का काम भी नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो मैंने पीएनजी को ले लिया, ठीक है। एंड ऐड कर लिया। एंड गाइस, के बाद अब हमें किसका ब्लेंडिंग मोड रखना है स्क्रीन, ठीक है। सो हमने इसको स्क्रीन कर लिया। एंड गाइस, के बाद आपको उसके साइज को इस तरीके से बड़ा करना है। एंड गाइस, इसको आपको ऐसे बगल में लगाना है, जो गाइस हमारे पीछे जो लाइट का वो आ रहा है ना गाइस रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इस लाइट को लगाना है, ठीक है। एंड गाइस, की हम ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है। सो आप कर लेते हैं डन, ठीक है। सो हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है। एंड गाइस, अब बात आती है कलर करेक्शन की, जो कि करते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस, चलिए चलते हैं ड्रॉ टूल में। एंड गाइस, कर लेते हैं फोटो हम सेव। एंड मिलते हैं आप सभी से लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस, आप सभी को करना क्या, पहले लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना सिंपली, ठीक है। एंड लाइट रूम में ओपन करने के बाद गाइस, आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। एंड फोटो कर लेना ऐड सिंपली, ठीक है। सो मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस, फोटो को मैंने ओपन कर लिया। एंड गाइस, के आप सभी को जाना है यहाँ पे गाइस, ठीक है, सिलेक्टेड टूल में। एंड गाइस, के आप सभी को साइड थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड गाइस, आप सभी को सिंपली आपके ऐसे साइड से कोने में प्रेस करते हुए आपको इसको ऐसे खींचते हुए इधर लेकर आना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एंड आपको जाना है इस कलर वाले इसमें, ठीक है। एंड इसको ब्लू कलर की तरफ ले जाना है, ठीक है। इसके टेम्परेचर को आपको ब्लू की तरफ ले जाना है, ठीक है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको दोबारा से इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है, पहले हम इसको बैक आके पहले इसको हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। वही थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको इस साइड से लेकर आना इस बार ही, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। एंड गाइस, आपको दोबारा से वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। दोबारा से जाएंगे हम कलर्स पे। एंड गाइस, के टिंट को हम करेंगे माइनस, क्योंकि गाइस टिंट में ये पिंक कलर, तो गाइस हम टिंट का यूज़ करेंगे। एंड गाइस, को हम पूरा पिंक में कर देते हैं। एंड गाइस, के हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसे, ठीक गाइस। सो गाइस, यहां तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस, अब आपसे को करना है क्या, जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक गाइस, कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है, ठीक गाइस। एंड हाईलाइट को माइनस करना है, ठीक गाइस। एंड इसके बाद आपसे को करना है क्या गाइस, शैडो को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। एंड गाइस, व्हाइट को बढ़ाना है, ब्लैक को कम करना है। एंड गाइस, आप सभी को जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है। एंड उसके बाद इसके वाइब्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है। एंड अब गाइस, इसके हम सैचुरेशन को भी, सैचुरेशन को प्लस में रखते हैं, ठीक है। एंड इसका जाना मिक्स में। एंड गाइस, रेड कलर के यू को थोड़ा सा छेड़ना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है यू को, ठीक है। एंड ऑरेंज कलर को लेना है, ठीक है, ल्यूमिनस को बढ़ाना है, ठीक है। एंड अब लेना ब्लू कलर, ह्यू को बढ़ा लेना है, ठीक है, सैचुरेशन को कम करना है। एंड सेकंड ब्लू को लेना है, ह्यू को बढ़ाना है,
ठीक है, एंड सचिन को भी बढ़ाना है। ओके गाइस, एंड इसके ल्यूमिनस को हम माइनस करते हैं, ठीक है। एंड लेना है ये गाइस पर्पल कलर, ठीक है। एंड उसके बाद इसके ह्यू को बढ़ाना है, ठीक है। एंड इसके सैचुरेशन को प्लस में रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद इसके ल्यूमिनस को हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। एंड इसके बाद हमें आना बैक एंड गाइस, जाना है नीचे वाले टूल में, ठीक है। एंड क्लियरिटी को बढ़ाना है, ठीक है। विगनेट को वो कम करेंगे ताकि गाइस हमारे साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाए। एंड गाइस का फेदर को 100+, एंड राउंडनेस को भी 100+। एंड गाइस जाना नीचे वाले टूल में, फोटो करना है शार्प, ठीक है। एंड नोड डायरेक्शन को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड कलर नोड डायरेक्शन को भी बढ़ा लेना है। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर दे यार, क्योंकि यार अभी एक एक सब्सक्राइबर बहुत कीमती है। तो यार गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइज अपने सभी फ्रेंड को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।